कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लागू लॉकडाउन ने किसानों और गरीबों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। आइए डालते हैं एक नजर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक नुकसान से बेहाल गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगले 3 महीनों तक 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल के साथ 1 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी। मजदूरों को राहत देते हुए सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है। इसके अलावा बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों को अगले 3 महीनों तक पेंशन के 2 अतिरिक्त किस्त यानी 1,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक 500 रुपए यानी कुल 1,500 रुपए डालने का ऐलान भी किया है। पर पर्सन 5 kg राइस और पर पर्सन 5 kg व्हीट वेयर दे गेट ऑलरेडी वी शैल गिव अनदर 5 kg फॉर फ्री एंड दैट वी शैल गिव फॉर द नेक्स्ट 3 months। Women Jandan account holders will be getting an ex gratia amount of 500 rupees per month for the next 3 months। सरकार ने किसानों को सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए की पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते तक देने का फैसला किया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना से जुड़े 8 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने तक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का भी ऐलान किया गया है। फार्मर्स, यू नो दे रिसीव 6,000 रुपीस एनुअली फ्रॉम द पीएम किसान योजना, किसान सम्मान निधि थ्रू विच दे गेट देयर एनुअल 6,000 रुपीस। वी विल नाउ बी गिविंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ दैट as a front loaded matter so that even at the beginning of the year they will get 2,000 rupees। हालांकि किसान नेताओं ने राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सम्मान निधि के अग्रिम भुगतान के अलावा किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है, जबकि उन्हें बारिश और ओलों के बाद लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 1 किस्त अप्रैल में डालने की बात की गई, जो कि किसानों के हिसाब से बहुत कम है। ये ऐसा ही है जैसा कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार किसानों को एक मुश्त पैसा उपलब्ध कराए। सरकार किसानों की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सरकार ने हर एक फसल का किया हुआ है उसकी खरीद गांव दर गांव सुनिश्चित करे। किसानों को फसलों की कटाई में कोई दिक्कत ना आए, फसलों के भंडारण में कोई दिक्कत ना आए। ये सारी हमें सुविधाएँ सरकार से, क्योंकि किसान के पास ना तो इतनी अधिक जगह है ना भंडारण की क्षमता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत राशि देने की बात की गई है, ये राशि तो पहले से केंद्र सरकार को किसानों को देना ही है, जिसको इस जो है आर्थिक पैकेज में जोड़कर बताने की कोशिश की जा रही है। मसलन मनरेगा की मजदूरी 20 रुपए बढ़ाने की घोषणा हुई है और ये मान लिया गया है कि 2,000 रुपए जो है मनरेगा मजदूरों के जेब में चले जाएंगे। इससे तमाम योजनाओं को जो अभी केंद्र सरकार चला रही है उनको एक जगह बांधकर जो है पैकेज के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। जो 182 रुपए से 200 रुपए जो बढ़ोतरी की है वो एज अ रिलीफ पैकेज नहीं है, वो दरअसल यूजुअल जो एनुअल इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन रेट के साथ में, ये उसकी बढ़ोतरी है जो 3 दिन पहले गजट में निकली थी। तो इसे एक रिलीफ पैकेज के तौर पर निकालना ये थोड़ी बेईमानी है। दूसरी बात, इनके पैकेज में पिछले फंड्स क्या कितने निकले हैं उसकी तो बात नहीं की है। नरेगा का बजट इस साल के लिए भी इतना बड़ा नहीं है कि उसमें इसे कैलकुलेट किया जाए कि उसमें रिलीफ के लिए कोई स्कोप है। तीसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा खटक रही है वो ये है कि रिलीफ के लिए इन्होंने बाकी फंड से पैसे निकाले हैं, जैसे DMFT का नाम मैं पढ़ रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट के पैसे जो माइनिंग अफेक्टेड लोग होते हैं उनके लिए ही इस्तेमाल करने हैं, दैट इज़ द मैंडेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ट्रस्ट फंड। तो उसको कोरोना रिलीफ पैकेज के लिए इस्तेमाल करना जब वैसे ही माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में लोग हैं जिनके साथ उस पैसे की जरूरत है,
तो वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। टोटल रिलीफ पैकेज 1.7 लाख करोड़ का है मेरे ख्याल से। हमने जो एक डिमांड चार्टर जन संगठनों ने जो नरेगा मजदूरों के साथ काम करते हैं, हमने जो चार्टर निकाला था वो चार्टर हमने लगभग 3.7 लाख करोड़ उनसे रिलीफ फंड मांगा था और ये 1.75 लाख करोड़ है जो कि आधे से भी कम है। किसान नेताओं के इन सवालों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए और भी कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लॉकडाउन से गरीबों, मजदूरों और किसानों की परेशानी देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सरकार से न्यूनतम आय गारंटी योजना को लागू करने और गरीबों और मजदूरों को सीधी आर्थिक मदद देने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि किसानों के लिए ये बहुत मुश्किल समय है, इसलिए उन्हें न केवल कर्ज और बकाया चुकाने के लिए 6 महीने की मोहलत दी जाए बल्कि उनकी कर्ज मुक्ति का फैसला भी किया जाए। वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने किसानों को 2 महीने में किसानों को 15,000 रुपए की मदद करने की मांग की है। सरकार ने भले ही किसानों को सम्मान निधि की 2,000 रुपए की एक किश्त अग्रिम तौर पर देने का ऐलान किया है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि लॉकडाउन के चलते पोल्ट्री, फिशरीज और फूलों की खेती से जुड़े किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए सरकार उनकी भरपाई करे। रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर्स, काइंडली हेल्प देम बाय गिविंग सम मोर एडिशनल कैश बेनिफिट। Already state governments like Telangana, Andhra Pradesh have announced. My submission to Government of India is, please allocate 2,500 rupees for each family every month, so that you see they will be able to overcome this financial crisis in the next 2 to 3 months. अभी निर्मला सीतारमण जी ने गरीबों के लिए, अन्नदाताओं के लिए एक इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है और उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय नेता चौधरी रमेश दलाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, इतने सारे ऐलान हुए हैं अन्नदाताओं को, किसानों को, मजदूरों को ध्यान में रखकर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हमारे किसानों के लिए एक भी पैसा 1,70,000 करोड़ अलग से दिया उस पर नहीं दिया गया। जो हमें पहले से योजना है उसका 2,000 एडवांस दिया गया, बाकी हर वर्ग के लिए 1,70,000 करोड़ सबको मिला के पैसा दिया गया। क्या इतने पैसे में से किसान के खाते में 1 रुपया नहीं था? आज हमारी फसल कटाई के लिए खड़ी है और हम अपनी फसल को नहीं काट पा रहे, कोरोना की वजह से घरों में मजदूर हमें मिल नहीं रहे और मशीन से काटेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा। क्या प्रधानमंत्री को और सरकार को हमारी किसानों की इतनी भी चिंता नहीं कि सबको सब कुछ मिला? किसी को फ्री में सिलेंडर दिया, किसी को राशन आपने 3 महीने के लिए जो पहले दे रहे थे उससे दुगना कर दिया, किसी के खाते में पैसा डाला, जो जहां तक जो व्यापारी भी थे उनको जो 12% पीएफ का जो जमा करना था वो भी सरकार करेगी। सिर्फ एक ही वर्ग के साथ धोखा और विश्वासघात किया, वो है किसान। इसलिए मैं राष्ट्रीय किसान नेता होने की वजह से आज हमें बहुत दुख है कि हमारे सबसे बड़ा वर्ग इस देश में, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारे आंसू पोंछने के लिए या संकट की घड़ी में हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये बताइए रमेश जी, जब ये सम्मान निधि दी गई थी तब भी कई किसानों ने इसको सम्मान के बजाय अपमान निधि बताया था, उसके बाद अब जब ये बात हो रही है कि कोरोना के संकट में किसान अपनी आजीविका कैसे चलाएं, इसमें कई किसान नेताओं का सुझाव भी सामने आया था कि एक मुश्त 6,000 की जो रकम है वो एक साथ दे दी जाए, आपका इस पर क्या कहना है? वो तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, इसके अतिरिक्त हमें पैसा मिलना चाहिए था क्योंकि हमारा डीजल का खर्चा बढ़ेगा, मशीन से अपनी फसल कटवानी पड़ेगी। हम पहले ही अपनी फसल को तैयार करने में कर्जवान हो चुके हैं। अभी टीडी ने हमला बोला था, अभी हमारा ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, बेमौसमी बरसात से नुकसान हुआ। हमारी भरपाई भी तभी होगी जब हमें अलग से पैकेज दिया जाए। मैं कहता हूँ कम से कम हर किसान को, कम से कम हर किसान के खाते में 10,000 रुपए डालना चाहिए, जो पहले का है 6,000 रुपए उससे अलग, तब जाकर के किसानों को थोड़ा आंशिक रूप से मामूली राहत मिलेगी।
जी, एक और बात बताएं कि राजस्थान में और पंजाब में जो सरकारें हैं, राज्य सरकारों ने एमएसपी पर खरीदी को अभी के लिए, फिलहाल के लिए टाल दिया है। ऐसे में किसानों पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि इस वक्त लोग भूख से ना मरे, भूख से उनका बचाव हो सके या फिर वायरस से बचाव हो सके, इसके लिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं। देखिए, ये हमारी खरीद शुरू नहीं करेंगे तो किसान के पास नगद तो पैसा है नहीं, और नगद पैसा नहीं होने की वजह से पहले तो समस्या ये आएगी हम अपनी फसल को निकाले कैसे, और दूसरी समस्या ये आएगी कि नगद पैसे की कमी में ये मंडी में भी जाकर के नहीं बिकेगा तो हम तो बिल्कुल उजड़ गए, मर गए। और कोरोना की वजह से सरकार की ये मजबूरी है कि अभी फसल को नहीं खरीद पा रही, तो कम से कम राज्य सरकारों को भी चाहिए तो तुरंत किसानों को नगद राहत दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।